बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल था, बहुत हार्ट ब्रेकिंग भी था. यू नो, इतना कुछ हमने फील किया इन 20 मिनट विजिट. इट वाज जस्ट सो हार्ड बिकॉज एक तो हम किसी को छोड़ के आए हैं और किसी को मिलके दोबारा छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल. व्हाट आर यू डूइंग? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? यू वांट टू सिट विद, ओके, सिट विद मॉम हियर देयर. हेलो, हेलो. ओहो, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? लुक एट यू. इट्स ओके, खा लो. व्हाट कैन वी डू? हां, हां. सो बहुत हार्ड था, यू नो, दोबारा छोड़ना बहुत मुश्किल था. बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इन ये बहुत छोटे हैं. यू नो, अगर थोड़े बड़े होते बोल सकते थे कि डैड को थोड़ी टाइम छोड़ना है, शूट है. अगर ज़्यादा छोटे होते तो इनको समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है. पर ये 2 ईयर्स ओल्ड है एंड इट्स टफ फॉर देम बिकॉज दे डोंट नो कि डैड क्यों यहाँ रुके, हम क्यों नहीं अंदर रह सकते उनके साथ. मुझे छोड़ने के लिए तैयार थे लेकिन डैड को नहीं छोड़ना चाहते थे. एंड दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे, यहाँ क्यों रुके. एंड दे डिडंट वांट टू लीव हिम एंड इट वाज really really hard. Actually it was heartbreaking to see because ye maine nahi expect kiya ki itna hard hoga, so hard. Oh, wo to ro pade to unko dekh ke, you know, hum sab rone lage because I could see how much he missed him because wo bahut ek hands on dad hai. He's a family man. He's a terrific father. पहले दिन से, you know, चाहे diapers change करो, इनका खाना तैयार करो, इनके कभी इनके लिए eggs बनाते और ketchup के साथ happy face बना देते हैं और कभी pancakes बनाते, grape strawberry से कुछ faces बनाते उसके ऊपर. So it's okay. So you know, he knows how to take care of them. He does everything. And I think वो कमी महसूस बहुत करते होंगे बिग बॉस के घर में कि सुबह उठ के वो routine नहीं है कि बच्चों को देखना, दैट टेक देम टू द किचन, मेक देम फूड, टेक देम टू द पार्क. दैट्स अ पार्ट ऑफ हिज डेली लाइफ, यू नो. एंड वो, यू नो, अगर मिस ये डेली लाइफ का रूटीन चले जाए तो इट्स सो हार्ड फॉर हिम. एंड फाइनली ही गॉट टू सी देम अगेन, सी देम बट नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर देम, टू टेक केयर ऑफ देम. वो बहुत उनके लिए हार्ड था. एंड जस्ट, यू नो, इतने कम समय के लिए मिलना और फिर से छोड़ना, दैट वॉज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ऑल. सच में, यू नो, डैड की तो आदत है, कभी कभी डोरबेल बजती है एंड उनको पता 2 बार डैड बजाते हैं, टिंग टिंग. सो अगर कोई गलती से भी दो जगह डैड तो भागते हैं, नहीं, नो, इट्स नॉट डैड. अगर फ़ोन पे किसी से भी बात करूँ, दे विल थिंक इट्स डैड. और कल मेरे दोस्त अश्मित का फ़ोन आया था तो उनको लगा कि डैड है. अगर कोई लड़के की मैं लड़के के साथ बात करती हूँ, सिर्फ डैड ही हो सकते हैं. सो उनको सच में लगा डैड है. तो मैंने बोला, यू नो, दे थिंक इट्स डैड. सो उन्होंने हाय बोला, प्रटेंडिंग टू बी डैड, बिकॉज कल बहुत अपसेट थे ये दोनों, बहुत ज़्यादा. यू नो, जब घर छोड़ के आए थे, यू नो, ऑन द वे होम दे क्राइड एंड दे वर सो क्वाइट, दे फेल अस्लीप. एंड सुबह भी उठ के दे वर सेइंग डैड, कि डैड सच में नहीं है. सो जब फ़ोन आया उनको लगा कि डैड से बात हो रही है, एंड दे फेल्ट अ लिटिल बिट बेटर बिकॉज ऑफ दैट. ऐसा मैंने ज़्यादा नहीं बोला बिकॉज मैं नहीं चाहती उसकी गेम अफेक्ट हो जाए, यू नो, कन्फ्यूज ना हो जाए. सो और उनकी एक जर्नी है, ही नीड्स टू फिगर आउट फॉर हिमसेल्फ. सो मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि अगर आप ग्रुप में आ जाते हो, आप क्या करते हो, ग्रुप को फर्स्ट रखते हैं. प्लीज़ खुद को फर्स्ट रखा करो, यू नो, प्ले फॉर योर सेल्फ, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. उनको ये भी बोला है कि यू एंड दीपक आर द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स टास्क को लेकर. सो डोंट गिव योर चांस टू अदर पीपल बिकॉज दे नीड यू. They need you to win, so you have to think of yourself because ये भी game है और आपको भी जीतना है. हाँ, सर, लेटर तो हो चुका है लेकिन लेटर मैंने किसी को पर्सनली ऐसा अटैक नहीं किया था. सो आई थिंक, यू नो, अगर हम आवाज़ उठाते हैं, देर इज़ अ वे टू डू इट इन अ काइंड रिस्पेक्टफुल वे. एंड आई थिंक दैट वॉज अप्रिशिएटेड एंड आई डोंट रिग्रेट. आई डिड व्हाट आई थॉट वाज राइट. यू नो, इट्स माई जॉब टू स्टैंड बाई माई हस्बैंड. इफ ही आई एम We are strong Indian women and we are emotional, so we will speak our mind, we will speak our heart. And agar hame kuch jawab sawal karne hai, hum pooch sakte hain bina kisi ko attack kiye. So, you know, I think that there is a way. Oi hoi, jao, are you going?
Are you going? No? No. Idhar khade. Okay, you can stay here. Theek hai, if you want to sit, you sit. Theek hai, so just stay here. Haan. So, yeah, but this, getting back to this journey, it's tough for everybody. Chahe koi baar ho ya koi andar ho, kyunki hume kuch nahi pata ki andar kya ho raha hai, kya kar rahe. It's really difficult to watch. As a viewer, you know, every season we watch Bigg Boss, lekin reality tab hoti hai, zyada real jab hamare ghar wale andar hain. Mammo. Huh? Mammo cookie. Mo cookie khalo. Khalo. Okay, bye bye. Jo. See you later. Garbage, honey, I'll leave it here for now. I'm sorry. I'm supposed to throw it in the garbage. So mujhse zyada ye ghar clean to ye saaf rakhte hai. So you call a strong contestant. You know, abhi aap kabhi down. Ab bolie. Hello. Where did you go yesterday? The bus. Who did you see? Salman Khan. She was looking for Salman Khan. Jab baar aayi thi, ro rahi thi, crying, dad, aur beech mein, Salman Khan, please help. To wo sab Andaman wale baar khade the. Did she just ask Salman for help? Aisa logon ko, you know, people pray to God for help. She's asking Salman Khan. Unko lagta hai ki ye Salman Khan ka ghar hai. Show ka naam hai Bigg Boss, lekin weekend pe Salman Khan aate, lekin so it's his house. Agar help chahiye, Salman Khan ko help mango, because usse mangenge to wo ghar ke andar shayad le jayega aur mulaqat karwa lega. So, you know, afsos hai ki Salman Khan bhi nahi inki help karne aaye baar. Strong contestant, you know. Hello. You know, I think that everything keeps changing. Every day equations change. Main kuch bol bhi nahi sakti. Genuinely, I don't know, because there's everybody right now is, it can be anybody's game. And jab show thode halfway point tak pahunch jata hai, we always say, okay, this person has a strong chance. Aisa, there was this season that was not there, that we think this person for sure. Everybody is giving their best effort. 3 hafte bache, so dekhte hain kaun kahan aage jata hai. मैं सब कंटेस्टेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि 3 हफ्ते बचे और जो इमेज हम यू नो अपनी शो में बनाएंगे वही इमेज हमारे साथ लाइफ के लिए रहेगी. सो फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स ऐसा नहीं कि यू नो चुपचाप शांत बैठो, फिर भी शो है, लड़ाई झगड़े थोड़े थोड़े होंगे, बट लिमिट में रखो, किसी के जानबूझकर हर्ट ना करो. डोंट गेट पर्सनल पीपल्स करियर्स, पीपल्स फैमिलीज, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज दैट्स नॉट द इमेज यू वॉन्ट टू टेक होम विथ यू. So let it be a clean fight, let it be a fair fight. Nanny. Thank you so much. Thank you. And bye. Say bye bye. Bye Bigg Boss. Bye. Say bye Bigg Boss. Bye Bigg Boss. Oh yeah, say bye Salman Khan. Bye Salman Khan. Bye Daddy. Bye. Bye Dad. Bye Dad. Bye Dad. Bye Dad. Huh? Thank you. Thank you.